You are currently the only person in this conference. Hello, hello. तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज दिन है शनिवार, और आपको पता है हर सैटरडे यानी हर शनिवार को हम वीकली करंट अफेयर्स को लेते हैं। और आज थोड़ा मैं, क्योंकि अब कुछ लोग नए जुड़े हैं इसमें, तो ये भी पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा और इसको कैसे हम रिटेन कर पाते हैं। देखिए, तो तीन चीजें होती हैं। एक तो दैनिक करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहा है, ठीक है? आप सभी एक टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा हैं जहां आपको दैनिक करंट अफेयर्स मिलता है। दैनिक करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका है कि जो कीवर्ड्स हैं उनके द्वारा पढ़ा जाए, किस पेपर से संबंधित है ये पता होना चाहिए, मेंस में उसकी क्या उपयोगिता, उसके नीचे प्रश्न भी रहता ही होगा, ठीक है? इसके बाद साप्ताहिक करंट अफेयर्स है ना, यह भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। तो इसको भी आप उसी प्रकार से है ना, कीवर्ड्स के साथ किस एक क्षेत्र से आया है। और जो मासिक करंट अफेयर्स की पुस्तिका आपको मिल रही है उसमें जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, उसका क्या करना है, इसमें सेक्शन होते हैं अलग अलग, ठीक है? इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, तो इन सेक्शंस के साथ कैसे काम करना है, यानी खंड होते हैं, ठीक है? अलग अलग खंडों के तहत होता है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक होगा उसमें, ठीक? फिर GS2 का होगा, फिर GS3 का होगा, GS4 आता नहीं, ठीक है? तो ये तीन सेक्शन मुख्यतः। तो देखिए, मान लीजिए उसमें एकदम स्पेसिफिक डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है? तो मान लीजिए कि ज्योग्राफी का कोई करंट अफेयर्स है, तो आप एक काम करेंगे, ज्योग्राफी और इको एनवायरमेंट इसको साथ में रख लेंगे और इनकी एक फाइल अलग से बना लेंगे। मैगजीन को आप हटा दीजिए, उससे पन्ने अलग कर लीजिए, पंच करिए, फाइल बनाइए। एक फाइल में ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट लगाइए, एक फाइल पॉलिटी की बना लीजिए, एक SNT की और एक इकोनॉमी की। ये चार फाइलें बना लीजिए, अलग अलग करंट अफेयर्स में रखिए, पंच आउट करके रख दीजिए। एक महीने में बहुत ज्यादा, जब आप टॉपिक देखेंगे, बहुत ही टॉपिक की अधिकता होगी किसी एक विषय में, तो 5 से 7 टॉपिक एक विषय में आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है? ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आता है मंथली। तो उन 5 से 7 टॉपिक को बना लीजिए। जब पेपर का समय आएगा परीक्षा का और आपको इसको रिवाइज करना होगा, तो इसमें अब अच्छाई क्या है, क्यों बताया मैंने, नए लोग जुड़े इसलिए, आपको मान लीजिए समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में आप कोई एक सेक्शन छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, साइंस टेक या इकोनॉमी पढ़ के जाने का फैसला किया, इनको पढ़ के चले जाइए, ठीक? आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इनको आसानी क्या रहेगी, जब आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, क्योंकि आपने उसको अलग कर लिया था, तो आपका ध्यान और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पॉलिटी पर ही रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे जो पूरी किताब आप पढ़ते, उसमें सेक्शन अलग अलग होते हैं, तो फिर पढ़ने में आपको कठिनाई का अनुभव होता है, वो जो कठिनाई का अनुभव है वो यहां कम हो जाएगा, ठीक? क्योंकि आपने अलग अलग सेपरेट इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इसको फिर कर सकते हैं और बेहतर ढंग से अपने अध्ययन को आप जारी रख सकते हैं। हो गया, ठीक है? ऐसे ही करिए। तो मासिक जो आपको मिलेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हो अथवा संघ लोक सेवा आयोग के, ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स, यानी समसामयिक घटना इनको बोलते हैं, उसके परिपेक्ष में, ठीक है? चलिए अब मूव करते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ने स्वासा के सहयोग से अंतरिक्ष के लिए योग पर एक सम्मेलन का आयोजन
किस स्थान पर किया था, ठीक, किस स्थान पर किया है। किस स्थान पर किया है भाई, बेंगलुरु में किया है। किस स्थान पर किया है, बेंगलुरु में इसको किया गया है, ठीक। यानी केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वासा विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए एस व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में ही है, वहां अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका विषय क्या था, स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग। भारतीय संस्थानों से मुख्य भाषण दिए गए और योग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर विभिन्न गतिविधियों को क्या किया गया, प्रदर्शित भी किया गया, ठीक। अब देखो, जब भी ऐसी कोई जैसे इंटरनेशनल योगा डे है या कोई सम्मेलन होता है, तो युवाओं के लिए होता है, तो उससे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, जिससे उनका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, जिसको अब अन्य गतिविधियां कहते हैं पढ़ाई के अलावा, जिससे क्या होता है, एक चेतना आती है, एक अवेयरनेस आती है, ठीक। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ठीक। तो अब की बार इसका थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग, इसका थीम रखा गया, ठीक है। इसमें क्या क्या वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं और नवीन चुनौतियां भी इसमें शामिल थी, ठीक है भाई। हर दिन आपको पता है ना, नए चैलेंजेस आते हैं, उन नए चैलेंजेस को हम किस प्रकार से अपने सामने, वो आएंगे, हम उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उन प्रतिस्पर्धाओं से, हम कंपटीशन से बाहर आएंगे। बड़ा प्रतिस्पर्धी समाज है इस समय, ठीक। तो उस प्रतिस्पर्धी समाज से किस प्रकार से बाहर आएंगे। अच्छा, सम्मेलन ने स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने में योग की भूमिका और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसके संभावित अनुप्रयोगों पर भी जोर दिया। देखो, अंतरिक्ष यात्रा हो, पर्वतारोही हो, एथलीट हो, इनके लिए, खिलाड़ी जिनको कहते हैं आप, इनके लिए योग की महत्ता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर वैज्ञानिक तरीके से भी जाएं, तो श्वास का, यानी सांस का, यानी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान शरीर को ऊर्जा देने में, ठीक है ना। तो शरीर को ऊर्जा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो अधिक से अधिक आयतन, अधिक से अधिक मात्रा को, लगभग 5 लीटर होता है, ठीक है, वॉल्यूम, उस एयर को ग्रेस्प कर सके। क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा, फिर कह रहा हूं, अंतरिक्ष यात्रा, पर्वतारोहण, खिलाड़ी, इनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक। और ऊर्जा कब आएगी, जब भाई ऑक्सीजन हो, तभी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो योग का अपना एक जो महत्व है वह बना हुआ है, और इस बार इसकी थीम क्या थी, स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक। हाल ही में फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में किसने स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी ने 18 जून को फिनलैंड में पावो नुर्मी खेल 2024 में 85 मीटर के थ्रो के साथ क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। यह इस सीजन का उनका तीसरा इवेंट था। चोट के कारण ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट को छोड़ने के बाद चोपड़ा का प्रदर्शन उनके शीर्ष फॉर्म की पुष्टि करता है, क्योंकि अगले महीने पेरिस ओलंपिक के लिए वे तैयारी भी कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, लगातार नीरज चोपड़ा जी जीतते जा रहे हैं, जहां तक पेरिस ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहेगा और उनसे स्वर्ण पदक की आशा ये राष्ट्र कर सकता है, ठीक। एथलीट एथलीट में पहला एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और कठिन परिश्रम से नीरज चोपड़ा जी ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। जब वह इस चीज के लिए बता रहे थे कि उन्होंने इस कार्य को कैसे किया, तो उन्होंने बताया उनके पैर में चोट लगी हुई थी, और आपको पता है जैवलिन थ्रो, जिसको आप कहते हैं भाला फेंक, इसमें पैरों का संतुलन और हाथों की अपनी जो ऊर्जा होती है उसका बड़ा महत्व होता है। ऐसे में पैर में चोट लगी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। तो यह भी एक मोटिवेशन बनता है, चाहे आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, कि कठिनाई तो होगी ही, लेकिन वही डर के आगे जीत है, यहां पर दर्द के आगे जीत है ना। आगे बढ़े, चलिए।
हर साल विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? पहले तो रेफ्यूजी क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। जब भी कहीं पर, अब तो आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं, आतंकवाद की वजह से काफी रेफ्यूजी आपको दिखेंगे। किसी भी क्षेत्र में ऐसा होता है कि परिस्थितियां रहने अनुकूल ना हो, और वो रहने अनुकूल प्रकृति की वजह से नहीं, ठीक, मतलब डिजास्टर में भी आपको रेफ्यूजी मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आपको पता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, 1947 का जब अपने यहां बंटवारा हुआ था, तो आपको पता है पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे उन्होंने अपने घर खाली किए थे, और हिंदुस्तान में कई मुसलमान यहां घर छोड़ के पाकिस्तान गए थे, ठीक है। तो कई लोग अपने ही देश में शरणार्थियों की जिंदगी जीने मजबूर हो जाते हैं। 91 में कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से पलायन करना पड़ा, तो अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी बन के रहना पड़ा। शरणार्थी मतलब कि आप कहीं शरण लें, कहीं शेल्टर लें। शेल्टर का अर्थ ऐसे समझिए कि आप अपने घर को छोड़कर, संसाधनों को छोड़कर, जो स्थायित्व तो आपने एक जगह बना रखा था उसको छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़े, संसाधन वहीं रह जाएं आपके। 1991 का वो दौर जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, तो उनके घर जो थे उनको उन्हें खाली छोड़ना पड़ा। भाई विडंबना, आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है, खैर फिर भी उनको हम रेफ्यूजी। अब सोचिए, उसी भारत देश के निवासी और अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। इसी लिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है, और हर साल ये 20 जून को मनाया जाता है। ये शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके समावेश को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। दो का विषय क्या है? एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह 2001 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। शरणार्थी संघर्ष, उत्पीड़न, हिंसा के कारण पलायन करते हैं, जो वैश्विक एकजुटता और शरणार्थी संकट के लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता को क्या करता है? उजागर करता है। ठीक है, स्थायी समाधान की आवश्यकता को क्या करता है? उजागर करता है। किस हवाई अड्डे ने हाल ही में देश में पहली बार स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली की शुरुआत की है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्वसेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरुआत की। अब यह है क्या? 17 जून से शुरुआत हुई है। टर्मिनल 1 और 3 में लगभग 50 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो एयर इंडिया इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। है क्या? कियोस्क। कियोस्क एक ऐप होता है, ठीक है ना, एक ऐप होता है जिसके थ्रू त्वरित आपको सेवा मिलेगी, ठीक, पर टैग प्रिंट कराने, बैग को कन्वेयर बेल्ट पर रखने और जल्दी से चेक इन पूरा करने की ये अनुमति देता है। निर्बाध अनुभव के लिए आंतरिक रूप से एयरलाइन मानदंडों और खतरनाक सामान घोषणाओं की जांच भी ये कर लेगी प्रणाली, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है? आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यानी आपराधिक न्याय प्रणाली में सहायता करने के लिए जो फॉरेंसिक है उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता थी, इसीलिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, फिर देखो शब्द आया है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ठीक, NFIES को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ये नए आपराधिक कानूनों का समर्थन करेगा। गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता होती है। इसमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नए परिसर और अतिरिक्त केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं शामिल है, ठीक। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? तो इसका विषय है होप थ्रू प्रोग्रेस। होप थ्रू प्रोग्रेस यानी एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली,
ठीक, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। ये विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को सिकल सेल रोग एक अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2008 के एक संयुक्त राष्ट्र संकल्प द्वारा स्थापित इसका उद्देश्य जनता और हितधारकों को शीघ्र पहचान और रोकथाम के बारे में सूचित करना है। इसका विषय है होप थ्रू प्रोग्रेस। अरे सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, ठीक है ना, रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया बस नहीं लिखा है, बाकी सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि सेल्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता, तो वो कम ऑक्सीजन कंटेन कर पाती। विश्व स्तर पर देखभाल में सुधार और रोगियों को राहत प्रदान करने पर ये जोर देता है, ठीक है। समाचारों में देखा गया नालंदा विश्वविद्यालय, मैंने कहा था इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास में ही बोल दिया था, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में आएगा। बिहार में स्थित, ठीक, 500 साल बाद इसका पुनरुद्धार होने जा रहा है, ठीक है ना। 1193 में इसको खत्म कर दिया गया था, सॉरी 900 साल बाद, ठीक, 900 साल बाद। इसमें बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी, 90,000 पुस्तकें थी उस समय, पिंकी जी गुड मॉर्निंग, सारी जल के राख हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने राजगीर बिहार में प्राचीन खंडहरों के पास नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, कर दिया है। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वारा स्थापित नालंदा 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठ विश्वविद्यालय था। हर्षवर्धन और पाल सम्राटों के अधीन ये फल फूला और ह्वेन सांग यहां आए थे, जिनको आप इतिहास में पढ़ते हैं तो कोई आम विश्वविद्यालय नहीं। तो कहा जाता है कि उस समय इसमें 4 गेट हुआ करते थे, चारों गेटों पे जो प्यून, जिसको आज आप कहते हैं, उस प्यून से शास्त्रार्थ करना पड़ता था। पहले आप प्यून को हराइए उसके बाद एडमिशन होता, तो यहां प्यून जो होता था वो भी आज के टीचरों से ज्यादा विद्वान होता था, इस लेवल का विश्वविद्यालय था, ठीक है। पूरे एशिया के छात्रों को यह आकर्षित करता था, बौद्ध धर्म, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा देता था। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया, 1812 में इसे फिर खोजा गया और अब यह यूएनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल, ठीक है। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना? थाईलैंड। ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया में बात चल रही है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह साझेदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। यह राजा महा वजीरालोंग कोर्न के औपचारिक समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है और 120 दिनों के भीतर यह वहां पर प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? वह न्यूजीलैंड से संबंधित, ठीक है, न्यूजीलैंड से वह संबंधित है, ट्रेंट बोल्ट। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 T20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की घोषणा की है। 14 रन देकर 2 विकेट लिए इन्होंने। साथ ही तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, एक दुर्लभ उपलब्धि उन्होंने हासिल की, उन्होंने 4 ओवरों में बिना एक भी रन दिए 3 विकेट ले लिए, जिससे वह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, ठीक है। घोड़ बंदर किला, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक। मरम्मत कार्य के दौरान घोड़ बंदर किले की आंतरिक परतों के नीचे छिपा हुआ एक कमरा मिला। महाराष्ट्र ठाणे में उल्हास नदी पर स्थित घोड़ बंदर किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और 1730 में इसे पूरा किया गया। शुरू में घोड़ों के व्यापार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था, बाद में मराठों और अंग्रेजों द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली चर्च और विभिन्न ऐतिहासिक संरचनाएं भी पुर्तगालियों ने इस देश में बनाई, ठीक है। तो घोड़ बंदर किला किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था, जिसे बाद में अंग्रेजों और मराठों ने भी अपने अधीन रखा। 1730 में इसका निर्माण पूरा हुआ, उसमें कमरा भी खोजा गया है। स्थित कहां है?
तो स्थित है बेटा महाराष्ट्र के ठाणे के उल्हास नदी के तट पर यह स्थित। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? वो स्थान है नई दिल्ली। 17 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसकी दूसरी बैठक आयोजित की गई है। अजीत डोवाल और अमेरिकी एनएसए जेक सुलविन द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित की गई। मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के बाद सुलिवन की भारत की पहली यात्रा है। आईसीईटी का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, दूर संचार, एआई, क्वांटम टेक, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में भारत और अमेरिका का सहयोग बढ़ाना। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ें। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस पहल के तहत शुरू की गई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट, इससे जोड़ने के लिए डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। पात्रता में स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल समाधान कंपनियां शामिल। प्रोत्साहन आभा लिंक्ड डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या पर आधारित है। बहुत पुरानी योजना है, खबरों में बनी रहती है, और चूंकि सरकार तीसरी बार आ गई तो ज्यादा खबरों में रहेगा। ठीक है। प्लैनेट 9, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है? सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र का एक काल्पनिक ग्रह। प्लैनेट 9 सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र का एक काल्पनिक ग्रह। ठीक है। खगोलविदों ने एक दशक से सौर मंडल के बाहरी भाग में एक काल्पनिक यानी नवे ग्रह प्लैनेट 9 की खोज कर भी रहे थे और की है। दूरस्थ ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं की कक्षाओं में विसंगतियों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित प्लैनेट 9 को पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना अनुमानित किया गया है। इसकी एक अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है जो सूर्य से 400 से 800 एयू तक है, और विशेषज्ञों का मानना है जल्द इसे खोजा जा सकता है। एसडीजी 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने लिखवा दिए थे सारे, ज्योतिष आपके पास लिखे होंगे, फिर से लिखवाऊंगा अभी। सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है। एसडीजी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 से क्या पता चलता है कि 2030 तक एसडीजी 7 को पूरा करने के लिए अभी हम राह पर नहीं है। इसे 2018 में शुरू किया गया। यह वार्षिक रिपोर्ट एसडीजी 7 प्रगति के लिए प्रमुख संदर्भ है और इसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह रिपोर्ट आईईए, इरेना, यूएनएसडी, विश्व बैंक और WHO द्वारा तैयार की गई है। यह ऊर्जा पहुंच दक्षता, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ खाना पकाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कवर करती है। शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में किन दो देशों के संदर्भों में समाचारों में देखा गया? रूस यूक्रेन बहुत दिन से युद्ध में है, तो शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति इन दो देशों के संदर्भ में यह चीज समाचारों में देखी गई। ठीक है। देखो, भारत ने स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज से खुद को क्या किया? अलग कर लिया। जहां रूस और यूक्रेन दोनों के लिए शांति प्रस्तावों पर जोर दिया जा रहा था, 15-16 जून 2024 को आयोजित यह शिखर सम्मेलन चल रहे यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को इसमें संबोधित किया गया। प्रमुख बिंदुओं में यूक्रेन के संयंत्रों पर परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कैदियों के आदान प्रदान, विस्थापित यूक्रेनियों की वापसी और कुछ मानवीय मुद्दे शामिल। उपस्थित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है कि यहां पर शांति होनी चाहिए। किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? पंजाब ने इसको लॉन्च किया है। पंजाब पुलिस, BSF और VDC के सहयोग से 15 से 21 जून तक फाजिलका जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ 42 गांव के निवासियों को ड्रग मांग और आपूर्ति पर खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक सप्ताह का एंटी ड्रग अभियान मिशन निश्चय चलाया गया।
यह इनिशिएटिव ड्रग के खतरे को रोकने में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देगी, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्रग उस क्षेत्र में आमद ड्रग की है भी ज्यादा, इसलिए ड्रग रोकना वहां पर जरूरी है। ठीक, कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? उत्तर है भारत। भारतीय वायुसेना अगस्त 2024 में अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और यूएस सहित लगभग 10 देशों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। अन्य पर्यवेक्षक इसमें होंगे। शुरुआत में देर 2023 के लिए निर्धारित अभ्यास को टाल दिया गया था। यह कार्यक्रम मित्र पड़ोसी वायुसेनाओं के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी एक साथ काम करने की उनकी क्षमता को यह बढ़ाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इसको देखता हूँ, भेज देता हूँ आपको, है ना। मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ आ रही है अभी। चल, हाल ही में किस संगठन ने शहर में सतत कचरा प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने यह समर्थन किया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का लक्ष्य 2026-27 तक कोडुंग ईयर डंप पर कचरा निपटान को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना है। कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना है इसका लक्ष्य। हाल ही में राज्य के अधिकारियों के साथ एक बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन को रणनीतिक बनाना, शून्य कचरा लक्ष्य निर्धारित करने और अंततः कोडुंग ईयर की सफलता के बाद पेरुगुडी डंप साइट को बंद करने पर चर्चा की गई। खबरों में देखा गया एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? मच्छर है। एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? मच्छर है। हाल ही में खबरों में देखा गया, यू की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार गर्म परिस्थितियां एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर को फलने फूलने में मदद कर रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका फैलाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से स्पेन, इटली, फ्रांस और यूरोप में डेंगू के खतरे में वृद्धि होने की संभावना है। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मियों के सूखे ड्रॉट्स इसके आवास को कम कर सकते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस को नियंत्रित करने में पानी को हटाना, रिपेलेंट का उपयोग करना, समुदाय मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। देखिए, शायद चेक करिएगा, ज्योति जी पहुंच गया, इनकी जी भी चेक कर लें। हाल ही में खबरों में देखा गया, मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन और टेक्नोलॉजी। चेन्नई सितंबर 2024 तक 40 से 50 मीटर की गहराई पर पहले हार्बर परीक्षण की योजना के साथ भारत डीप सी मिशन वाला छठवां देश बनने के लिए तैयार है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित 3 व्यक्तियों वाला पनडुब्बी मत्स्य 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा। 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु, ठीक, से बना है। 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ 12 से 16 घंटे तक यह संचालित हो सकता है और इस मिशन से भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। किस शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में शैल कला का पहले साक्ष्य की खोज की है? मंगलुरु। बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर के बोल्डर पर मानव पदचिन्हों के रूप में मंगलुरु शहर में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज हुई है। ये संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी में बनाए गए। विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम
बी इंगेज्ड विथ यूथ, जो 20 मई को मनाया जाएगा, मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जांसा की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2017 में यूएन द्वारा स्थापित यह खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और सतत कृषि में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। इसकी थीम है इस बार की बी इंगेज्ड विथ यूथ। आवश्यक परागणकों की रक्षा के लिए युवाओं को मधुमक्खी संरक्षण प्रयासों में शामिल करने के ध्यान पर इस पर केंद्रित है। ज्योति जी फाइल पहुंच गई, पिंकी जी देखिए फाइल पहुंच गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में निधन हुए इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे, जल्दी बताइए। चलो ईरान के, ठीक है। 19 मई 2024 को कट्टरपंथी राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी दुखद मृत्यु हुई। महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व तो है सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खुमनई के संभावित उत्तराधिकारी को ईरान के नेतृत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अप्रत्याशित मृत्यु ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पर गहरा प्रभाव डालेगी, ठीक है। निखत जरीन जिन्होंने हाल ही में इलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से, मुक्केबाजी से संबंधित। निखत जरीन और मीनाक्षी ने अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित तीसरे इलोरा कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की झाझिरा उरा कबाएवा को हराया, जबकि मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की सईदा खोन रख मुनोवा को पराजित किया। 21 सदस्यीय मुक्केबाजी दल में कुल 12 पदक हासिल किए गए, जिसमें 2 स्वर्ण है, 2 सिल्वर और 8 कांस्य है, ठीक। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने, ताइवान के। विलियम लाई चिंग ते ने 21 तोपों की सलामी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ताइवान के लोकतंत्र की प्रशंसा की और चीन से डराने धमकाने की कोशिशों को बंद करने का उन्होंने आह्वान किया है। लाई और उपराष्ट्रपति हिया बी खिम ने ताइपे में राष्ट्रपति भवन और एक समारोह में चीनी गणराज्य के संस्थापक सना यात सेन के चित्र के नीचे शपथ ली। ज्योति जी सना यात सेन याद होंगे। हाल ही में खबरों में देखा गया जोशीमठ उत्तराखंड से संबंधित। केंद्र ने चमोली में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल में कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर श्री कैंची धाम तहसील करने की मंजूरी दे दी। यह बदलाव उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। बहुत बढ़िया ज्योति जी। जोशीमठ में 2023 में भूमि अवसादन के मुद्दों का सामना किया था, जबकि कोसिया कुटोली नीम करौली बाबा के आश्रम के लिए जाना जाता है। ज्योतिर्मठ एक प्राचीन नाम, आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं सदी में अद्वैत वेदांत के लिए मठों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान के लिए एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। अगले महीने से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एनसीआरबी ने संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संकलित करता है, जिसमें अध्याय और खंड अनुक्रमणिका, पुराने से नए कानून पर तुलना चार्ट और ऑफलाइन कार्य क्षमता जैसी विशेषताएं शामिल है। यह गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। यह जनता, न्यायालय के अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लाभ पहुंचाता है। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए यूएई के एज ग्रुप के साथ समझौता किया है, अदानी डिफेंस, ठीक है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई स्थित एज ग्रुप पर एक अग्रणी उन्नत प्रौद्योगिकी और रक्षा कंपनी के साथ एक सहयोग समझौते पर सहयोग, मतलब दोनों तरफ से आएंगे लोग। वैश्विक स्तर पर व्यापक रक्षा और एरोस्पेस समाधान, ठीक, दोनों कंपनियों की क्षमताओं का लाभ मिलेगा। मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्रणालियां, काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों का यह मूल्यांकन करता है और बाजार पर जोर देगा, ठीक है। तो हमको भी अच्छी तकनीक मिलेगी। नागास्त्र क्या है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। भारतीय सेना को नागास्त्र मिला है, लॉन्च पैड दुश्मन शिविरों, घुसपैठियों को सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए इसे डिजाइन किया है। मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत सेना ने सोलर इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड 480 लाइटर मुनिशन का ऑर्डर दिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार सफल पूर्व वितरण निरीक्षणों के बाद 120 इकाइयों को एक सेना गोला बारूद डिपो में वितरित किया जाएगा।
किस राज्य सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मनियर काथू मनियर कापोम योजना शुरू की? तमिलनाडु। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु ने 206 करोड़ के बजट के साथ राज्य में सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए मनुईर काथू मनुईर कापोम योजना शुरू की है। एक प्रमुख फोकस हरी खाद पद्धतियों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। 20 करोड़ का स्टार्टअप फंड 2024-25 से 2 लाख एकड़ भूमि में हरी खाद के बीजों के वितरण का समर्थन करेगा, जिससे 2 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। ठीक है ना? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और फिर मंडे को आपसे मुलाकात होगी। कोई भी कठिनाई हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है ना? चलिए, नमस्कार।